एयर में उपस्थित नमी के कारण लोको में लगे न्यूमैटिक वाल्व डीजे एसएमजीआर इत्यादि न्यूमैटिक पाइप तथा उसके ज्वाइंट खराब हो जाते हैं, जिससे एयर लीकेज होने के कारण लोको फेल हो जाता है। अतः इसके निवारण के लिए आजकल सभी विद्युत लोकोमोटिव में एयर ड्रायर यूनिट लगाया गया है। इसका काम एमआर की हवा की नमी को ड्राई करके न्यूमैटिक सिस्टम में भेजना है, जिससे न्यूमैटिक सिस्टम में लगे उपकरण खराब ना हो। दिखाया गया एयर ड्रायर यूनिट 27203 WAG7 कानपुर शेड से संबंधित है। यह कैब नंबर 1 लोको पायलट की तरफ अंडर फ्रेम में लगा है। एयर ड्रायर यूनिट में 3 कटआउट कॉक लगे हैं। जब यह काम पर रहता है तो इसमें लगे 2 हरे रंग के कटआउट कॉक ए डी इन व बी डी आउट सामान्यतः खुले रहते हैं व लाल रंग का एक कटआउट कॉक सी डी ऑफ बंद हालत में रहता है। जब कभी लोको में एमआर का प्रेशर ना बने और जांच करने पर लीकेज ना मिले या एयर ड्रायर यूनिट से लीकेज हो जाए तो इसे आइसोलेट कर देना चाहिए। आइसोलेट करने के लिए लोको पायलट को दोनों हरे रंग के कटआउट कॉक ए डी इन व बी डी आउट बंद कर दें तथा लाल रंग का सी डी ऑफ कटआउट कॉक को खोल दें। अब एयर ड्रायर आइसोलेट हो चुका है, अतः यह एयर की नमी को ड्राई नहीं करेगा, इसलिए प्रत्येक रुकने वाले स्थान पर लोको पायलट को सभी एमआर के प्रेशर को ड्रेन कॉक के माध्यम से ड्रेन करते रहना चाहिए। इसे लॉग बुक में लिखें